रहम्म एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर सेवन है फाइंड वैल्यू ऑफ़ एम एंड एन इफ़ बोथ सम एंड स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एन इज इक्वल टू जीरो आर थ्री बाई टू एंड थ्री बाई फाइव क्वेश्चन में गिवन ये है कि जो समूट्स है वो थ्री बाई टू है और प्रोडक्ट ऑफ रूट इज एक टू थ्री बाई फाइव फाइंड ये करना है एम एन एन की वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे ए की वैल्यू एम आ जाएगी बी की वैल्यू माइनस थ्री सी इज इक्वल टू माइनस एन तो समिकल टू कै थ्री बाई फाइव वैसे रूट्स के फार्मूले जो होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा लेट सपोज अल्फा एंड बीटा आर दी गिवन रूट्स अल्फा और बीटा को हमने सपोज कर लिया हमारे पास रूट्स हैं तो रूट्स क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एम हो जाएगा ए की वैल्यू एम ए तो यहाँ से क्या हो जाएगा थ्री बाई एम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फ़ा बीटा इज इक्ल टू सी बाई ए अल्फा बीटा इज ईक् टू सी बाई ए तो यहाँ से सी की वैल्यू है माइनस एन और ए की वैल्यू है एम तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस एन डिवाइडेड बाई एम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू थ्री बाई फाइव तो ये सम ऑफ रूट्स जो हमने अभी फाइंड किया वो थ्री बाई एम था थ्री बाई एम इज ईक्ल टू थ्री बाई टू हो जाएगा थ्री बाई एम इज ईक्ल टू थ्री बाई टू तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें थ्री को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे फिफ्टीन हो जाएगा और थ्री को एम से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एम हो जाएगा अब ये थ्री इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो फिफ्टीन डिवाइडेड बाई थ्री विच इज़ इक्वल टू फाइव एम की वैल्यू आ गई है फाइव नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा विच इज़ इक्वल टू थ्री बाई एम लेकिन हमने जो फाइंड किए इक्विशन से प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस एन बाई एम है दोनों को कंपेयर करें कंपेयर करेंगे तो इधर से यह हो जाएगा माइनस एन बाई एम इज इक्वल टू थ्री बाई फाइव एम की वैल्यू अभी फाइंड किया एम इज इक्वल टू फाइव है फाइव पुट कर दें तो क्या हो जाएगा माइनस ये अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये फाइव इधर मल्टीप्लाई को माइनस फाइव एन डिवाइडेड बाय फाइव इज ईक्ल टू थ्री ये फाइव फाइव के साथ कैंसिल माइनस एन इज ईक्ल टू थ्री हो जाएगा माइनस एन इज ईक्ल टू थ्री और ये माइनस साइन को अगर ख़त्म करें बहुत सारे पे नेगेटिव के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एन इज इक्वल टू माइनस थ्री हो जाएगा यही हमने फाइंड करना था एम की वैल्यू आ गई है फाइव और एन इज इक्वल टू माइनस थ्री